नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर खगौल से है। दानापुर रेल पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ के द्वारा जम्मूतवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस में सघन चेकिंग अभियान के दौरान 3 बोरे में कछुए के साथ 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर शंकर अजय पटेल ने बताया कि मुगलसराय से हमारे 2 सब इंस्पेक्टर को चेकिंग के लिए टास्क दिया गया था। बक्सर में यात्रियों की शिकायत पर दानापुर रेल मंडल आरपीएफ के 2 सब इंस्पेक्टर ललन सिंह और शुभम कुमार ने जांच किया तो 3 बोरे में कछुआ बरामद हुआ, जिसमें 63 कछुए हैं, जिनको वन विभाग को सौंप दिया गया है और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अरे लड़का, हाँ जैसे शादी खड़े हो गए हो, ये कछुआ जो है हमारा एक टास्क टीम बना हुआ है, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर हैं, एक ललन सिंह दिलदारनगर के हैं और आरा के एक सब इंस्पेक्टर हैं शुभम कुमार। इसके निर्देशन में टास्क टीम पकड़ा हुआ है। ये लोग हिमगिरी एक्सप्रेस से आ रहा था मुगलसराय से गाड़ी को लेकर के, तो बक्सर में एक आदमी कंप्लेन किया पैसेंजर कि कछुआ महक रहा है और एक जगह कछुआ घूम रहा है। इसी सूचना पर जो है ये लोग सर्च किए, सर्च के दौरान जो है इन्होंने कछुआ ले जाते हुए 3 व्यक्ति को पकड़ा, जिसमें 2 महिला है और 1 पुरुष है, और उसके साथ 3 बोरी में अलग अलग कुल मिलाकर के 63 कछुआ रखा गया था, जिसको ये लोग पकड़ करके दानापुर पोस्ट पर लाए। यहाँ इन्होंने हमें हैंडओवर किया। चूँकि यह मामला वन प्रक्षेत्र अधिकारी दानापुर के अंतर्गत पड़ता है और ये वाइल्ड का केस होता है, इसका अधिकार हमें नहीं है, इसलिए हमने इनको सूचना दिया। सूचना पर अशोक जी अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं यहाँ पर और सारा जो कागजी प्रावधान है उसको पूरा करके हम लोग इनको एक लिखित शिकायत के साथ जब्ती सूची बनाकर कछुआ और 3 गिरफ्तार 2 महिला और 1 पुरुष को इनको सुपुर्द कर देंगे, बाद ही कार्रवाई इनके द्वारा की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई आप जो है सघन अभियान चलाने के दौरान देखा जाता है पकड़ेगा, तो क्या ये आगे भी जारी रहेगा? यह बिल्कुल जारी रहेगा और इसके पहले भी कछुए पकड़े गए हैं और वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी जिनका भी जिस डिवीज़न में पड़ता है उनको दिया जाता है। ये तो काफ़ी गंभीर है, गंभीर मामला है और ये जो है सिल्क सॉफ्ट टॉयज है और ये जो है रेल विभाग दानापुर के द्वारा पकड़ के सुपुर्द किया गया है। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि शेड्यूल 2 का ये वाइल्ड एनिमल है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 950-51-52 के द्वारा दंडनीय अपराध है और इसमें 5 साल की सजा है ना। और ये बराबर देखा जा रहा है कि रेल के माध्यम से ये बाहर जा रहा है कछुआ, बीच बीच में पकड़ा जाता है, लेकिन इसका उद्भेदन आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया कि कहां से आता है और कहां जाता है। एक्चुअली ये कछुआ से बहुत सारा मेडिसिन का निर्माण होता है और इसमें बहुत बड़ा गैंग इसमें शामिल है, बहुत बड़ा गैंग शामिल है। ये लोग तो छोटा है, सिर्फ मटेरियल सप्लाई करता है, लेकिन बड़ा गैंग कहीं ना कहीं बैठा हुआ है और बराबर रेल से या किसी भी माध्यम से जाता है। कभी कभी ये पकड़ा भी जाता है क्योंकि रेल से संबंधित है, रेल विभाग ही इसको धर पाता है ना, या वन विभाग को सूचना मिलता है तो वन विभाग भी प्रयास करता है। तो इसका उद्भेदन करना बहुत ही अति आवश्यक है क्योंकि ये अति बहुत गंभीर मामला है। क्या होगा इनका? मैं तो ये 2 महिला और 1 जेंट्स अभी पकड़ाए हैं, सुपुर्द किया गया है, पकड़ा गया है, अभी इनको मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ मैं प्रस्तुत करूँगा और उसके बाद वाइल्ड एक्ट के द्वारा इन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन ये जो पकड़े जाते हैं, आप ये बता रहे हैं कि इसका उद्भेदन जो करना जरूरी है क्योंकि ये बराबर होता है, तस्करी हो रही है, तो ये कहाँ से मामला जुड़ा हुआ है, कैसे लगता है कि इसमें बड़ी मछलियाँ होंगी? बड़ी मछलियाँ तो संभव इसलिए है कि छोटा कछुआ ट्रेन के द्वारा बाहर जा रहा है, कहने को तो कछुआ है लेकिन ये वाइल्ड एनिमल का शेड्यूल 2 का प्राणी है और इसमें दंडनीय अपराध भी है और इसका कई तरह का मेडिसिन का निर्माण होता है, तो इसमें बड़ा गैंग कहीं ना कहीं काम कर रहा है।
लेकिन इसका उद्भेदन करना जरूरी है। अभी इसके साथ 3 मोबाइल पकड़ाया है, मैं इसको अपने विभाग में ले जा रहा हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि इसका बड़ा जो नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। और नहीं तो मोबाइल है, मोबाइल से भी मैं प्रयास करूँगा कि इसका बड़ा नेटवर्क कहाँ कहाँ सेट है। फिर आगे जो विभाग का नियमानुकूल कार्रवाई होगा इस पर हम लोग करेंगे।